नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका। पहले तमाम जिलों के आदेश और अब पीछे से जिला खरगोन का भी आदेश है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला खरगोन, यहां पर आप देख सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा निकाला गया यह आदेश है अतिथि शिक्षकों की बीपी बढ़ाने के लिए दोस्तों। और आपको बताना चाहता हूं, क्रमांक स्थानीय अतिथि शिक्षक 2024-480 समस्त संकुल प्राचार्य प्रभारी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल विकासखंड बड़वा कसराबद प्राचार्य शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धूलकोट झेणिया और अतिथि शिक्षक के पद पर नियमित शिक्षक के उपलब्ध होने पर उक्त अतिथि शिक्षक को कार्य मुक्त करने के संबंध में और अलर्ट किया गया है संकुल प्राचार्य और प्रभारी को कि तुरंत हटा दिया जाए, पोर्टल से कार्य मुक्त करवा दिया जाए। अतिथि शिक्षकों को हटाने की जो प्रोग्रेस है वो 99% तेजी से आती है दोस्तों, जैसे 360 डिग्री जैसी रफ्तार से अतिथि शिक्षकों को हटाने की कार्रवाई होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्तमान सत्र 2023-24 में आपके द्वारा संकुल के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक माध्यमिक हाई स्कूल हायर सेकेंडरी शालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध नियम अनुसार विषयवार अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा दिनांक 8/1/2024 को आयोजित बीसी में जहाँ नियमित शिक्षक उपस्थित हो गए हैं अथवा पूर्व से हैं, वहां पर अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। 8 तारीख को बीसी में निर्देश मिले हैं और महोदय 25 तारीख को आदेश जारी किया गया है। समायोजन का भी हो सकता था लेकिन नहीं किया, अतः उपरोक्त निर्देशों के परिपालन में किसी नियमित कर्मचारी शिक्षक के स्वेच्छक प्रशासनिक स्थानांतरण होने से, उच्च पद प्रभार होने से, नवीन नियुक्ति होने से, अन्य कारण होने से अतिथि शिक्षक को बिल जनरेट कर तत्काल कार्यमुक्त किए जाने संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करें। यदि बिल जनरेट करने में विलंब हो रहा हो तो ऑफलाइन लिखित रूप से संबंधित अतिथि शिक्षक को उक्त पद से कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें व आगामी ऑनलाइन कार्रवाई भी करें। यदि नियमित शिक्षक के उपलब्ध होने के उपरांत भी आपके द्वारा संबंधित अतिथि शिक्षक को ऑनलाइन कार्य मुक्त ना करते हुए निरंतर कार्य कराया जाता है एवं निर्धारित अवधि से अधिक का वेतन आहरण किया जाता है तो उक्त कार्य को आपकी एवं संकुल लिपिक गणक की लापरवाही एवं वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवलेना मानते हुए आपके एवं संकुल लिपिक गणक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय में भेजा जाएगा यानी प्रेषित किया जाएगा। पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें एवं उक्त निर्देशों के अनुसार तत्काल कार्रवाई की जाना सुनिश्चित करें। इस पत्र के पश्चात भी यदि कोई अतिथि शिक्षक पद पूर्ति होने के बाद भी कार्यरत पाए जाते हैं तो अतिथि शिक्षक के उस अवधि के मानदेय का भुगतान आपके एवं संस्था प्राचार्य प्रधान अध्यापक के वेतन से कटौत्रा किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी जिला खरगोन दिनांक 25/1/2024। और यहाँ पर ये आदेश है दोस्तों, और इस आदेश ने तो सारा काम बिगाड़ दिया है। हालांकि पहले भी आ चुके हैं लेकिन प्रमोशन की बात की गई थी मित्रों और समायोजन की बात की गई थी लेकिन प्रमोशन तो चालू हो गए, समायोजन नहीं हुए, अनुबंध नहीं हुआ, महापंचायत एक कोरा सपना बन के रह गई, आखिरकार मिला कुछ नहीं है। और अब क्या होगा दोस्तों, धैर्य रखिए, शांति रखिए। फिर आ रहा हूँ एक और वीडियो में, जरूर आपके साथ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा मित्रों। और